Every youth wants to be unique. But the world around you is doing its best day and night to make you just everybody else. My name is Arun Bhanot, HOS of Atal Adarsh Vidyalaya Lodhi Road. हमारे स्कूल में जब से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छता अभियान शुरू किया, तब से ही हमने एक स्वच्छता क्लब अपने स्कूल में बनाया है, जो कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं एनडीएमसी के, उनका हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलकर हम सब इसके लिए काम कर रहे हैं। हमने अपने स्कूल में जो क्लब बनाया है उसमें हर क्लास के बच्चे लिए हैं और सभी टीचर्स इसमें इन्वॉल्व हैं और डेली हम इसके लिए काम करते हैं, ताकि बच्चों में एक ही मैसेज जाए कि स्वच्छता ही जीवन है, स्वच्छता होगी तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए स्वच्छता शपथ हम असेंबली में अवश्य कराते हैं, ताकि डेली बच्चे इस चीज को याद रखें कि हमें अपने लिए और अपने देश के लिए स्वच्छता को अपनाना है, जिससे हमारा देश का नाम आगे बढ़ सके। इसके लिए हम असेंबली में नुक्कड़ नाटक भी करवाते हैं और डेली कोई भी टीचर जो है वो स्वच्छता के विषय में बच्चों को बताते हैं और हम शपथ लेते हैं। उसके साथ साथ जीरो पीरियड में ये सब काम होता है और जो हमारी स्वच्छता क्लब की टीम है वो अलॉन्ग विद टीचर्स सभी लोग मिलकर पूरे स्कूल का एक राउंड लेते हैं। वॉशरूम जो है वो भी चेक किए जाते हैं, जहां पर भी कमी पाई जाती है उसको उसी टाइम ठीक किया जाता है। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं स्कूल के, वो भी इसमें बढ़ चढ़कर योगदान देते हैं। इवन जो हमारे एसएमसी मेंबर्स हैं और भी दूसरे जो पेरेंट्स हैं हमारे बच्चों के, वो भी सब इस चीज के बारे में जानते हैं और इसके लिए बहुत अच्छी तरह से हमारी मदद करते हैं और इसके साथ साथ अपने एरियाज में सभी जगह वो इस बात को स्प्रेड कर रहे हैं कि स्वच्छता ही जीवन है। इसके साथ साथ अब हम लोगों ने एक नई चीज शुरू करी है, सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए बच्चों को मना किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं करना। इसके लिए जो बच्चों में जब मिड डे मील मिलता था तो पेपर प्लेट और प्लास्टिक के स्पून दिए जाते थे, अब वो हमने टोटली अपने स्कूल में बैन कर दिए हैं, वो नहीं होता। सभी बच्चे अपने घर से टिफिन लेकर आते हैं और अपना स्पून लेकर आते हैं। और इसी तरह से 2 अक्टूबर को हमारे स्कूल के सभी बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर इस चीज में हिस्सा लिया। हम लोगों ने अपने स्कूल के आसपास रैली निकाली और जो हमारे स्कूल के आसपास झुग्गी क्लस्टर है वहां पर गए, नुक्कड़ नाटक के द्वारा और नारों के द्वारा उन्होंने सभी लोगों को अवेयर किया कि प्लास्टिक का यूज नहीं करना है। इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट हमारी बहुत हेल्प करता है और हमें गाइड भी करता है कि हमें किस तरह से अपने मिशन में आगे बढ़ना है। और इसके साथ साथ 2 अक्टूबर को फिट इंडिया रन भी हमारे बच्चों ने करी, एक साइड से बच्चे गए और 2 किलोमीटर के लोगों ने रेस के साथ साथ सभी लोगों ने माइक हम लोग साथ लेकर चले थे और लोगों को अवेयर किया। इवन जो रास्ते में लोग जा रहे थे उन लोगों को भी बताया कि आप लोगों ने प्लास्टिक का यूज नहीं करना है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि हमने पेपर बैग और कपड़े के थैले अपने स्कूल में बनवाए हैं, जो कि हमने रास्ते में जाते हुए सभी लोगों को पेपर बैग डिस्ट्रीब्यूट करें और थैले उन लोगों को दिए, ताकि उन लोगों को पता लगे कि हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना है। इसी तरह से वंस इन अ वीक बच्चे रैली निकालते हैं, जिसमें बच्चे डस्टबिन अपने साथ लेके जाते हैं, हरा डस्टबिन और नीला डस्टबिन, और अपने साथ जो भी रास्ते से निकलते हैं या मार्केट में जब हमारे बच्चे जाते हैं रैली लेकर, तो वहां पर उन लोगों को अवेयर करते हैं कि आप लोगों ने जो सूखा कूड़ा है वो नीले डस्टबिन में डालना है और गीला कूड़ा ग्रीन डस्टबिन में डालना है। अभी आप देख सकते हैं, अगर आप खन्ना मार्केट में जाएंगे तो आपको सभी शॉप्स के बाहर इवन डस्टबिन मिलेंगे,
इसके साथ साथ जो हमारे वहाँ पर भी बच्चे जाते हैं और वो सभी घरों में जाकर लोगों को अवेयर करते हैं कि आप सूखा कूड़ा डस्टबिन में डालें और गीला कूड़ा ग्रीन डस्टबिन में। और इसके साथ साथ कुछ घरों ने तो इवन जो गीला कूड़ा है उसकी खाद भी बनानी अपने घरों में ही शुरू कर दी है। बड़े बड़े उन्होंने गमले रख लिए हैं जिससे वो खाद बना रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा अभियान है हमारे सबके लिए, हमारे अपने लिए, स्कूल के लिए, जो बच्चों के घर हैं और जो हमारा देश है। अगर हम सब एक मन एकजुट होकर इस काम में जुट जाएंगे तो हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। जो कि हमारे बच्चे इस चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बहुत खुशी खुशी इस काम को करते हैं। उनको सफाई के बारे में समझ आ गया है, उनको प्लास्टिक के बारे में पता लग गया है कि प्लास्टिक हमारे लिए कितनी खराब चीज है और इसका यूज नहीं करना है। इवन जब भी कहीं बाहर निकलते हैं अगर कुछ कूड़ा इधर उधर देखते हैं तो मैंने देखा है कि बच्चे वहां से कूड़ा उठाकर अपने हाथ में लेकर जो भी नियर बाय डस्टबिन उनके आसपास होते हैं या स्कूल में जो डस्टबिन हैं वो उसमें डालते हैं। और इसमें वो बिल्कुल शर्म नहीं करते कि हम कूड़ा क्यों उठाएं, क्योंकि कूड़ा उठाना कोई बुरी बात नहीं है। ये अगर हम अपने आसपास सफाई रखते हैं तो हम बीमारियों से भी बचते हैं और ये सब बातें हमारे बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पता लग गई हैं। इसी तरह से इको क्लब के भी अंदर हम लोग इस काम को कर रहे हैं, जो रैलीज निकालते हैं, पेंटिंग कंपटीशन के द्वारा, स्लोगन्स के द्वारा हम बच्चों में और अपने आसपास के एरियाज में जो झुग्गी क्लस्टर है या मार्केट्स हैं या जो हमारे रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनमें बच्चे जाते हैं और लोगों को बताते हैं। और इसके साथ साथ एक नया अभियान भी शुरू हुआ है, जल शक्ति अभियान, कि जल संरक्षण। इसके लिए भी हमारे टीचर्स ने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से बताया है और बच्चे भी जल के महत्व को समझने लगे हैं कि पानी को वेस्ट नहीं करना। इसको हम नुक्कड़ नाटक के द्वारा कि जैसे अगर ब्रश कर रहे हैं तो नल खुला ना छोड़ें, या पानी जो है जब नहाने लगे हैं तो बाल्टी भरकर नहाए, हम शावर का यूज ना करें। अगर पेड़ पौधों में देना है तो जो कच्चा पानी है वो दें। और इसी तरह से पानी इवन पीने के लिए भी अगर आधा ग्लास पानी की जरूरत है तो आप बॉटल साथ में रखिए और आधा ग्लास ही पानी लीजिए, पूरा ग्लास पानी का लेकर आधे ग्लास को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे समझ रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को समझा भी रहे हैं कि पानी हमारे लिए कितना आवश्यक है। एक तो पानी हमारे लिए कितना आवश्यक है, दूसरा स्वच्छता कितनी आवश्यक है, और प्लास्टिक जो है उससे बड़ी बीमारी आई थिंक हमारे देश के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम प्लास्टिक को बंद कर देते हैं तो हम बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे, गंदगी से भी बचेंगे, जल संरक्षण भी अच्छी तरह से कर सकेंगे और इसके साथ साथ अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में आगे बढ़ा सकेंगे। जिस तरह से सिंगापुर आज वर्ल्ड में नंबर वन कंट्री माना जाता है सफाई के मामले में, तो हमारा भी देश उस सीमा तक पहुंच सकता है, उतना ही साफ सुथरा बन सकता है अगर हमारे यहाँ का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बच्चा इस चीज का अवेयर हो जाए कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी है, प्लास्टिक का यूज नहीं करना, जल को बचाना है और इसके लिए हर कोई जिम्मेदार है। सिर्फ सफाई कर्मचारी या माली जो है वो इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति इस चीज के लिए जिम्मेदार है। थैंक यू।